तो फ्रेंड कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय कुमार एंड वन सेकंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एके ग्राफिक। एंड अभी हम सीख रहे हैं कोरल ड्रो, और कोरल ड्रो की अभी बेसिक सीरीज चल रही है। एंड आज की क्लास में मैं आप लोग को एक और टूल बार सिखाने वाला हूँ, आर्टिस्टिक मीडिया टूल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टूल है और बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ इस टूल के हेल्प से होने वाली है। और ये टूल इतना हेल्पफुल है कि ये आपके डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा खास और अट्रैक्टिव बनाने वाला है। तो किस तरीके से हम आर्टिस्टिक मीडिया टूल को यूज़ करते हैं, ये सारा कुछ हम जानेंगे आज के लेक्चर में। तो चलिए फिर क्लास शुरू करते हैं। बट क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप लोग को आज की क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर जरूर करना, एंड कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोग को आज की क्लास कैसी लगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ऑल राइट, वेलकम बैक। टूल बार में यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ अगर आप आएँ तो ये आपका 6 नंबर पे है, आपका आर्टिस्टिक मीडिया टूल। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं, मैंने अपना माउस ओवर किया इसके ऊपर तो यहाँ शो हो गया है आर्टिस्टिक मीडिया टूल। इसकी शॉर्टकट सिर्फ आई है, एंड इसके अंदर ब्रशेस हैं, स्प्रे है, एंड कैलीग्राफिक्स इफेक्ट है, एंड बहुत ही मतलब फ्री हैंड तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली ये सारा जितने भी इसके अंदर प्रीसेट्स हैं वो सब एक ब्रश स्टाइल में है, एंड उसको आप रिसाइज कर सकते हैं एंड थोड़ा बहुत उसको एडिट कर सकते हैं शेप टूल की हेल्प से। उसके अंदर कलर्स वगैरह भी कर सकते हैं, एंड इसको ब्रश हम कह सकते हैं। एक तरह का हमारा मतलब ये स्ट्रोक है कि जो भी हम मतलब ऑब्जेक्ट अपने ड्राइंग के अंदर यूज़ करेंगे, जो भी मतलब आर्टिस्टिक मीडिया टूल की हेल्प से हम जो भी डिज़ाइन हम क्रिएट करेंगे तो वो एक ब्रश के थ्रू मतलब हमारा जो है स्ट्रोक हमारा जो है क्रिएट होगा। तो मैंने जैसे इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ हमारा आर्टिस्टिक मीडिया टूल हमारा जो है एक्टिवेट हो गया है। एंड यहाँ ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ कुछ प्रॉपर्टी आप लोग को आर्टिस्टिक मीडिया टूल की नज़र आ रही होगी। सो सबसे फर्स्ट हमारा क्या है, सबसे फर्स्ट हमारा है प्रीसेट। बाय डिफॉल्ट हमारा प्रीसेट जो है एक्टिवेट रहता है इस तरीके से, ये हमारा सेलेक्टेड है। एंड आप फर्स्ट पर जब देखेंगे हमारा प्रीसेट हो रहा है, एंड यहाँ से आप अपने ब्रश स्टाइल को आप ड्रॉ कर सकते हैं, उसके मतलब उसको रिसाइज कर सकते हैं, कर्व वगैरह कर सकते हैं, उसके अंदर कलर्स वगैरह भी आप जो है कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मतलब मैंने अपना जो टूल सेलेक्ट किया तो मेरे पास यहाँ पे कर्सर जो मेरा एक है वो एक दूसरे आइकन में जो है मेरा चेंज हो गया है। एंड यहाँ इसके साथ साथ और भी कुछ दिए हुए हैं, ये कुछ अलग से 4-5 इफेक्ट इसके हैं, इनका जिक्र मैं भी थोड़ी देर में करूँगा। एंड यहाँ देख लेते हैं यहाँ क्या है। यहाँ फर्स्ट हमारा यहाँ पे है स्केल स्ट्रोक विथ ऑब्जेक्ट। ये मैं शायद इससे जो हमारी आउटलाइन पेन वाली क्लास थी उसमें भी मैंने स्केल स्ट्रोक विथ ऑब्जेक्ट का डिटेल्स में मैंने बताया था आप लोग को। अगर वो क्लास नहीं देखी है तो आप जरूर देखें। एंड इसमें होगा क्या, मैं इसके बारे में भी आप लोगों को क्लियर करूंगा थोड़ी देर में। एंड यहाँ से क्या है कि यहाँ से हम स्ट्रोक की विड्थ को एडजस्ट करते हैं, मीन्स कि हम इसके स्ट्रोक के विड्थ को जो है यहाँ से कंट्रोल करते हैं, मतलब उसकी जो थिकनेस होती है उसको कम और ज़्यादा हम यहाँ से कर सकते हैं। एंड ये हमारा क्या है, ये फ्री हैंड स्मूथिंग होता है कि हम जब अपना आर्टिस्टिक मीडिया टूल हम सेलेक्ट करके जब काम करते हैं तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉ करेंगे उसके अंदर तो वो उसकी स्मूथनेस हम कितनी रखनी चाह रहे हैं वो यहाँ से इसके अंदर हम कंट्रोल कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये 100% होता है, और जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट इसके अंदर ड्रॉ करते हैं इस टूल की मदद से तो बड़ा ही मतलब ईजिली वो ड्रॉ होना शुरू होता है। एंड यहाँ अगर आप देखें तो ये है प्रीसेट के कुछ स्ट्रोक आपको कोरल जो है बाय डिफॉल्ट जो बने बनाए आप लोग को देता है। एंड यहाँ छोटे से एरो पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये प्रीसेट्स शो होना शुरू हो जाएंगे। अभी जो मेरे पास कोरल का वर्जन है वो X8 है। X8 के वर्जन से जितने ऊपर वाले वर्जन हैं उन सब में ये जो है ऊपर की तरफ शो होता है। तो इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि हमें एक साथ सिर्फ हम 2 ही इसके अंदर जो है प्रीसेट्स देख सकते हैं, बाकी देखने के लिए हमको यहाँ इस छोटे से एरो पे डाउन एरो पे क्लिक करके इफेक्ट हम चेंज करके यहाँ से देख सकते हैं हमको क्या लेना है वो हम इसके अंदर जो है सेलेक्ट हम कर सकते हैं। एंड जो X8 से जो पहले के वर्जन थे उनमें जो है ये प्रीसेट्स यहाँ नीचे की तरफ एक छोटा सा पैनल ओपन होता था और वही मतलब ड्रॉप डाउन में ही ओपन होता था, तो उसके अंदर वो सारी चीज़ें बड़ी ही ईजिली तरीके से हम लोग को जो है शो हो जाती थी। बस
नए वर्जन में जो है अब ये प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ती है, तो थोड़ा बड़ा ये बोरिंग से लगता है मतलब करने में। एंड यहाँ बने बनाए कुछ प्रीसेट्स हैं, आप कोई सा प्रीसेट्स सेलेक्ट करें एंड ब्रश से यू ड्रैग करें, तो आप इस तरीके से जो है उन प्रीसेट्स को आप यूज़ कर सकते हैं। आप जिस भी कंडीशन में इसको घुमाएंगे तो ये आपका उसी तरीके से जो है आपका इस ऑब्जेक्ट जो है बहुत ही स्मूथ जो है ड्रॉ होना शुरू हो जाएगा। मैं इसको इस तरीके से घुमाता हूँ, आप देख सकते हैं। आप कैसे भी घुमाएं, कैसे भी अपना डिज़ाइन जो है क्रिएट करें, ये इसकी फिनिशिंग जो है आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ एंड ये देखिए मैं इसको जूम कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कितना स्मूथनेस के साथ जो है मतलब जो है ये ड्रॉ हो रहा है। ओके, इन सबको मैं जो करता हूँ डिलीट सेलेक्ट किया एंड करा यहाँ से डिलीट। एंड अगर मैं दोबारा से आई प्रेस करूं तो मेरा आर्टिस्टिक मीडिया जो टूल्स जो है सेलेक्ट हो गया है। एंड इसको मैं ड्रॉ करता हूं तो ये मेरा इस तरीके से मेरा जो है स्ट्रोक ड्रॉ हो रहा है। एंड ये इसके बाउंडिंग बॉक्स जो है यहां से आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। एंड यहां से इसकी स्मूथनेस कि आपको कितना स्मूथ ऑब्जेक्ट अपना ड्रॉ करना है। एंड ये इसकी स्ट्रोक की विड्थ है कि आप यहाँ से इसकी विड्थ और हाइट को जो है कंट्रोल कर सकते हैं लाइक दिस। मैं जैसे जैसे इसकी वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ तो यहाँ से इसका जो है इसका वेट जो है वो गेन हो रहा है धीरे धीरे। एंड यहाँ से आप जो है कम कर सकते हैं, आप मैनुअली टाइप करके भी यहाँ से इसका स्ट्रोक जो है कंट्रोल कर सकते हैं। मैं इसको 5 कर देता हूँ तो इस तरीके से मेरा जो है स्ट्रोक मेरा कम हो जाएगा। एंड कलर करने के लिए आप सिंपली अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट रखें एंड यहाँ से कोई सा भी कलर पिक करें एंड सेलेक्ट करके छोड़ दें लेफ्ट बटन से माउस से, तो वो जो आपका है कलर हो जाएगा। एंड दूसरा तरीका कलर करने का क्या है कि सिंपली ऑब्जेक्ट अपना सेलेक्ट रखें इस तरीके से एंड मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ अपने ऑब्जेक्ट को। एंड कोई सा भी आप कलर को जो पिक करें माउस का लेफ्ट बटन होल्ड रखें, ड्रैग करें और सिंपल ला के यहाँ पे इस तरीके से छोड़ दें, तो इस तरीके से भी आप जो अपने कलर कर सकते हैं स्ट्रोक ब्रश के स्टाइल के अंदर। ओके, इसके बाद इसको हम अभी करते हैं डिलीट। ये तो हमारा था आपका प्रीसेट बाय डिफॉल्ट जो आपका पहले से ऑलरेडी सिलेक्ट होता है। एंड एक चीज़ और बता दूं, अगर आपने जो इस तरीके से मान लिया कुछ ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया तो आप इसको शेप टूल की हेल्प से भी इसको आप जो थोड़ा बहुत जो है यहाँ से किसी भी पॉइंट पर सेलेक्ट करें एंड यहाँ से इसको ये बटन दबाएं, यहाँ से आप इसको करें सेलेक्ट लाइक दिस। एंड यहाँ से इन हैंडल्स की हेल्प से भी आप थोड़ा बहुत जो है इसके अंदर इस तरीके से जो चेंजेस आप जो है कर वगैरह करके कर सकते हैं। ओके, इसको करते हैं डिलीट एंड अगेन आई प्रेस। एंड नेक्स्ट जो यहाँ पे है वो है ब्रश। जैसे ही ब्रश में मैं सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट आपको ब्रश के स्टाइल जो है शो हो जाएंगे। यहाँ जो आप अगर आप इस छोटे से एरो पे क्लिक करें तो आपके सामने डिफरेंट जो है ब्रश स्टाइल की आप लोगों को कैटेगरी यहाँ शो होगी। एंड जो बाय डिफॉल्ट हमारा पहले आता है वो आर्टिस्टिक आता है। आर्टिस्टिक में क्या है, आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ डिफरेंट आपके सामने ब्रश स्टाइल जो है शो होंगे। आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट ब्रश स्टाइल हैं, बड़े ईजी और बड़े यूनिक से हैं। आप इनको यूज़ करें, बहुत ही ब्यूटीफुल हैं और बहुत ही मतलब आप लोग के काम आने वाला है ड्राइंग में, आप देख सकते हैं। एंड अगर आप किसी स्ट्रोक पे अगर रहते हुए अगर आप कोई दूसरा स्टाइल आप सेलेक्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसमें जो है रिप्लेस हो जाएगा। एंड नया क्रिएट करने के लिए आप कुछ भी नया क्रिएट करिए लाइक दिस इस तरीके से एंड आप यहां से कुछ भी चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, तो बड़ा इजी है और आपके डिज़ाइन जो है बहुत खूबसूरत से बनने वाले हैं इन टूल की मदद से, अगर आप इन टूल को बेटर तरीके से यूज़ करते हैं और इसका बहुत अच्छा अगर यूज़ अगर लाते हैं आप लोग अपने ड्राइंग में, तो आपका डिज़ाइन जो है बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होने वाला है। एंड आप देख सकते हैं कि अलग अलग इसके अंदर प्रीसेट हैं, तो आप एक बार ज़रूर चेक करें एंड इसको समझें। तो यहाँ से अभी मेरा आर्टिस्टिक सेलेक्ट था एंड मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ एंड इसके अंदर कैलीग्राफी पर आऊँगा, तो कैलीग्राफी में आने के बाद मेरे को कुछ डिफरेंट इसके अंदर नज़र आएगा। आप देख सकते हैं अलग अलग इसके अंदर आप लोग को मिलेंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ से इसका वेट जो है गेन कर लेता हूँ, मैं इसको करता हूँ 25 कर लेता हूँ। तो इस तरीके से मैं यहाँ से कलर करता हूँ लाइक दिस एंड डिफरेंट है इसके अंदर बहुत सारे, आप देख सकते हैं। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं और कुछ भी आप यहाँ से रिसाइज भी इसको कर सकते हैं बड़े ही ईजी तरीके से। एंड आप देख सकते हैं अलग अलग इसके अंदर हैं,
बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन सब चीजों को यूज करके डिजाइन किस तरह से बनाते हैं। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी क्रिएटिविटी कैसी है, आपका डिजाइन करने का तरीका क्या है, आपकी मतलब थॉट प्रोसेस क्या है, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस अगर आप लोग इन टूल्स के साथ अगर आप लोग खेलना अगर आ गया, शेप्स के साथ खेलना आ गया, तो आपका डिजाइन बढ़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप मुझसे इस चीज की गारंटी ले लीजिए। एंड अगला जो इसके अंदर नीचे है, आप देख सकते हैं मैं कैलीग्राफी मैंने सेलेक्ट कर रखी है। मैं जैसे दोबारा क्लिक करता हूं तो मेरे यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, एंड ऑब्जेक्ट पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे भी आपको कुछ अलग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैंने ऑब्जेक्ट किया सेलेक्ट एंड यहाँ पे आ गया, तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग यहाँ पे कुछ बने बनाए आपको मिल रहे हैं प्रीसेट्स। ये देखिए, आप यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ से इसका साइज कम कर लेते हैं, मैं इसको इतना कर देता हूँ। एंड यहाँ देखिए, ये डिफरेंट इसके अंदर बने हुए आपको मिलेंगे, तो बस यूज़ करना आप लोगों को आना चाहिए। एंड अगला मैं स्क्रॉल पे क्लिक करता हूँ, जैसे स्क्रॉल पे आऊँगा तो स्क्रॉल में भी अलग अलग स्टाइल इसके अंदर है, आप देख सकते हैं। ये तो आप देख सकते हैं, ये कुछ बेसिक से डिज़ाइन है जो हमें समटाइम्स इनकी ज़रूरत पड़ती है बार बार, हाँ, तो यूज़ हम कर सकते हैं इनका। एंड डिफरेंट डिफरेंट हैं, आप देख सकते हैं, आप इनको ट्राई ज़रूर करें, बहुत ज़्यादा आप लोग के काम आने वाला है। एंड इसको स्क्रॉल करके अगर यहाँ से स्क्रॉल बार पे आप क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है आपके पास डिज़ाइन जो है शो होना शुरू होंगे। ये आपको सारे मतलब प्रीसेट्स आपको एक साथ नहीं दिखाएगा, क्योंकि इस नए वर्जन में यही प्रॉब्लम है कि इसमें एक एक करके दिखाता है, तो आप एक एक वन बाय वन क्लिक करके ज़रूर देखें और इसकी प्रैक्टिस करें। तो बहुत ही अच्छे से और बहुत ही ब्यूटीफुल से इसके अंदर प्रीसेट्स दिए हुए हैं, आप ज़रूर उनको यूज़ करें। तो ये स्क्रॉल था हमारा, एंड नेक्स्ट इसके अंदर अगला है सेंसुअल। सेंसुअल में क्या है, आप सेंसुअल पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कुछ अलग आप लोग को जो है प्रीसेट्स जो है इसके अंदर आपको मिलेंगे, तो आप इनका ट्राई ज़रूर करें। आप इनको रिसाइज भी कर सकते हैं कर्व हैंडल की मदद से। एंड नेक्स्ट इसके अंदर है स्प्लैटर। स्प्लैटर पर आप जैसे आएंगे तो इसके अंदर भी आप लोग को कुछ डिफरेंट आप लोग को देखने को मिलेंगे। ये देखिए, जो आप जिसकी आपको रोज़ मतलब हमेशा आप लोग को ड्राइंग में ज़रूरत पड़ती रहती है, कुछ ऐसी चीज़ें आप लोग को जो है इसके अंदर देखने को मिल सकती हैं। लाइक दिस, देखिए ये बनाने में बड़ा टाइम लगता है, आप देख सकते हैं जब कोरल हमको बनाया सब कुछ चीज़ें दे रहा है, तो इसका क्यों ना यूज़ करा जाए और क्यों ना मतलब इन सब चीज़ों का बेनिफिट लिया जाए अपने ड्राइंग में हम लोग को। ओके, तो ज़रूर ट्राई करें आप लोग, देखें कि क्या है इसके अंदर। एंड नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, नेक्स्ट स्प्लैटर पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो स्प्लैटर पर आप लोग को क्या है कुछ अलग भी देखने को मिलेगा। तो मैं इसको करता हूँ, पहले सबको करता हूँ सेलेक्ट, एंड यहाँ से किया डिलीट, इसको भी करते हैं डिलीट, एंड अगेन आई प्रेस किया तो स्प्लैटर पर जैसे क्लिक करूंगा मैं, एंड यहाँ इस पर आए, एंड यहाँ अगर आप देखें तो इसके अंदर कुछ अलग डिज़ाइन इसके अंदर आप लोग को मिलेंगे देखने के लिए, लाइक दिस। एंड अगला क्या है, सिम्बल्स। इसमें बने बनाए आप लोग को सिम्बल्स मिल जाएंगे अलग। ये देखिए, कुछ अलग बने बनाए, जैसे ये आपको फुटप्रिंट बने बनाए आप लोग को सिंबल्स हैं, बस आप लोग को इनको यूज़ करना आना चाहिए। एंड ये देख सकते हैं कि बड़े ब्यूटीफुल से इसके अंदर सिंबल्स बने हुए हैं। एंड ये देखिए, मैं इसको ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से, तो मतलब ये चीज़ें हम लोग को बनाने में बहुत टाइम लगेंगी जब कोरल हम लोग को ऑलरेडी सब चीज़ें दे रहे हैं, तो क्यों ना इन सब चीज़ों का बेनिफिट लिया जाए। लाइक दिस, आप देख सकते हैं कि बड़े ब्यूटीफुल और बड़े यूनिक से डिज़ाइन है। एंड इसको अगर थोड़ा सा इतना करके अगर देखें तो देखिए कितना प्यारा कितना खूबसूरत सा है, जो बड़ा क्रिएटिव सा मतलब देखने को लग रहा है। एंड नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, नेक्स्ट हमारा इसके अंदर है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ अगेन, एंड यहाँ पर आते हैं टेक्स्चर। टेक्स्चर पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये कुछ बने बने आप लोग को टेक्स्चर जो है आप लोग को मिलेंगे इसके अंदर। तो फिलहाल मैं इसको करता हूँ सेलेक्ट, एंड सबको किया सेलेक्ट मैंने, ऐसे करता हूँ इसको डिलीट, एंड अगेन आई प्रेस, एंड यहाँ पे आया और टेक्सचर किया मैंने सेलेक्ट। टेक्सचर पर जैसे आएंगे तो ये आपको डिफरेंट टेक्सचर आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आप किसी भी एक टेक्सचर पे क्लिक करिए और इस तरीके से ड्रॉ करिए, और कलर्स वगैरह भी आप इसके अंदर जो है कर सकते हैं। एंड यहाँ क्या है, आप किसी आपके पास अगर कोई डाउनलोडेड प्रीसेट्स पड़ा हुआ है तो आप इसको ब्राउज करके वो अपलोड यहाँ कर सकते हैं। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो क्या है, आपसे ये आपका डिज़ाइन जो है एक फोल्डर के अंदर आप लोगों को करना है, जिससे आप देख सकते हैं कि हर एक उसका फोल्डर के अंदर बना हुआ है, फुटप्रिंट का है एंड फूड का है, सबका इसके अंदर आप लोगों को मिलेगा।
एंड आर्टिस्टिक का है, आप देख सकते हैं जो अभी ब्रश स्ट्रोक हमने देखा था, कैलीग्राफी का है एंड अलग अलग आप लोग को मिलेंगे इसके अंदर। आप एक फोल्डर बना के यहाँ से आप लोग इसके अंदर अपलोड कर सकते हैं एंड ये क्या है, आप अपना कोई स्ट्रोक बना के आप इसके अंदर सेव कर सकते हैं। कुछ आपको डिलीट करना हो तो आप डिलीट भी यहाँ से कर सकते हैं एंड यहाँ से वही इसकी स्मूथिंग चेंज करना। एंड ये हमारा वही स्केल स्ट्रोक विथ ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होगा कि अगर आप इसको अगर अनचेक कर देते हैं तो क्या होगा कि अगर जब आप किसी स्ट्रोक के ऑब्जेक्ट को इसको रिसाइज करोगे, मतलब स्केल करोगे, छोटा या बड़ा करोगे, तो आप छोटा करोगे तो उसकी जो है स्ट्रोक की स्केलिंग जो है वो खराब होगी। मतलब स्ट्रोक जो है बहुत छोटा होने पे स्ट्रोक फैल जाएगा, बहुत मतलब उसकी थिकनेस ज़्यादा हो जाएगी। एंड अगर उस पर अगर आप चेक लगा रहने देते हो तो वो क्या है, वो मेंटेन रहेगा। आप जितना भी उसको रिसाइज करोगे, स्केल करोगे, तो उसकी स्ट्रोक की जो है जो उसका डायमेंशन रहेगा और जो उसका हमने जो वैल्यू रहेगी वो मतलब फिक्स रहेगी उसके अंदर। आप कितना भी उसको रिसाइज करें, स्केल करें, वो उतनी ही रहेगी, मतलब ख़राब नहीं होगा, वो स्केलिंग के अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट हो जाएगी उसके अंदर, आप समझ गए। एंड मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैंने इसके अंदर आर्टिस्टिक कुछ लिया इसके अंदर एंड इसको किया डिलीट, इसको डिलीट कर देते हैं डिलीट। एंड इस पर यहाँ से लिया मैंने इसको आर्टिस्टिक, इसको किया सेलेक्ट एंड इसे मैंने इसको लिया एंड यहाँ लाइन मैंने ड्रॉ करी। अब देखिए मैं अगर इस पर इसको अनचेक मैंने कर रखा है, अब मैं इसको जैसे स्केलिंग कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं क्या हो रहा है कि इसका स्ट्रोक की जो है वैल्यू जो है वो ख़राब हो रही है। एंड इसको मैं अगर डिलीट करूँ एंड अब इसको मैं जैसे आई प्रेस करता हूँ इसके अंदर एंड अब जैसे मैंने आई प्रेस किया मेरा आ गया, इसको मैं अब करता हूँ यहाँ से सेलेक्ट एंड अब जो है मैं इसको अगर इसको रीसाइज करूँ, इसके इसको स्केल करूँ तो आप देख सकते हैं अब क्या होगा कि इसकी वैल्यू स्केल जो हमने स्ट्रोक की दे रखी है वो उतनी है, वो मतलब ख़राब नहीं हो रही है। इसको स्केल कर रहे हैं तो स्केल के साथ साथ उसकी वैल्यू भी एडजस्ट हो रही है। आप यहाँ पे इसके प्रॉपर्टी के पैनल में देख सकते हैं कि जैसे इसकी मैं स्केलिंग कर रहा हूँ तो उसके साथ साथ उसकी स्ट्रोक की वैल्यू भी जो है इंक्रीज हो रही है एंड कम कर रहा हूँ तो उसकी स्ट्रोक की वैल्यू जो है कम हो रही है। तो आप डिफरेंट जो है समझ गए होंगे इसके अंदर। इसको करते हैं डिलीट एंड नेक्स्ट क्या इसके अंदर, नेक्स्ट यहाँ पे स्प्रेयर, स्प्रेयर पर आप जैसे आएंगे तो आपके पास ये कुछ ब्रश के स्ट्रोक आप लोग को मिलेंगे। इसमें बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं, इसके अंदर भी आप लोग को बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आप ब्रश पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट आपके सामने ब्रश हैं, ये देखिए मतलब बड़े ब्यूटीफुल और प्यारे से इसके अंदर डिज़ाइन है। आप सिंपल इसको लाइन ड्रॉ करिए और देख सकते हैं कि बड़े कुछ ही सेकंड में आपका जो है डिज़ाइन जो है बड़ा अच्छा सा इफेक्ट आपको दे रहा है इसके अंदर। एंड इसके बाद यहाँ फूड पे आएंगे तो आपके सामने फूड के आपके आप लोग को प्रीसेट्स मिलेंगे इसके अंदर। एंड जैसे आप क्लिक करते हैं जैसे कि कैंडी हो गई है और ये इस तरीके से आप देख सकते हैं ये इसमें रिप्लेस हो जाएगा, तो है ना इंटरेस्टिंग सा। बस आप लोग को इसके साथ खेलना होना चाहिए। कुछ अगर बर्थडे का हो गया, आपको कुछ ग्रीटिंग्स मंगानी है तो उन सब चीज़ों में आप इन सब चीज़ों का यूज़ जो है कर सकते हैं। देखिए जैसे कैंडी का है, देखिए बर्थडे पार्टी है, कुछ ग्रीटिंग्स बनाना है, फिर कुछ आप लोग को कुछ कार्ड वगैरह डिज़ाइन करना है तो उन सब में आप इन सब प्रीसेट्स का जो है यूज़ कर सकते हैं। आप एक बार चेक जरूर करें, इसके अंदर आप लोग को बहुत सी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें मिलने वाली हैं और वाकई में आप कहेंगे सर आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग थी और इसके अंदर हमने बहुत कुछ सीखा। एंड इसके अंदर और भी मतलब डिफरेंट इसके अंदर कैटेगरीज हैं, आप चेक जरूर करें। जैसे फुटप्रिंट के हैं तो इसके अंदर आपको प्रीसेट जो है फुटप्रिंट्स के मिलेंगे। अपने फुटप्रिंट किया सेलेक्ट एंड इस पर अगर आप आएंगे तो ये डिफरेंट फुटप्रिंट्स आप देख सकते हैं जिनकी हमें ज़रूरत बार बार पड़ती रहती है। तो जैसे लाइक दिस ये है, आप सिंपली इसको सिलेक्ट करें एंड ड्रॉ करें तो बने बनाए फुटप्रिंट्स हैं और काफ़ी अच्छे हैं और गुड एकदम, इनकी फिनिशिंग बड़ी प्यारी ही है। तो आप ज़रूर चेक करें इन सबको। एंड इसके बाद ये बहुत सारे हैं, मैं अगर एक एक करके बताने अगर बैठूंगा तो क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और बहुत आप ज़्यादा मतलब आप बोर हो सकते हैं। तो म्यूज़िक के लिए इसके अंदर आप लोग को अलग अलग प्रीसेट्स हैं, ऑब्जेक्ट हैं, प्लांट्स के लिए आपको मिल जाएंगे। अगर जैसे म्यूज़िक पे मैं क्लिक करता हूँ तो म्यूज़िक के लिए इसके अंदर अलग अलग हैं, आप देख सकते हैं ये कुछ आइकन दिए हैं बैंड वगैरह के, आप देख सकते हैं। तो आप ट्राई ज़रूर करें, मैं एक एक करके नहीं बता सकता क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी एंड आप ज़रूर ट्राई करना, इसके अंदर सब कैटेगरी बनी हुई है। एंड नेक्स्ट हमारा क्या है इसके अंदर, नेक्स्ट ये हमारा है कैलीग्राफी। आप कैलीग्राफी पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से क्या है कि आपको प्रॉपर्टी दी जाएगी, आपने जैसे कुछ ऑब्जेक्ट आपने ड्रॉ किया स्ट्रोक की वैल्यू एंड ये वही चीज़ है स्मूथनेस और इसकी स्ट्रोक की वैल्यू। यहाँ से क्या है, आप अपनी कैलीग्राफी का जो एंगल जो है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप जैसे इसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप अपनी वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो वैसे वैसे इसका एंगल ऑफ पोजिशन जो है चेंज हो रही है।
तो आप इसको ट्राई करें, आप लोग को चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एंड नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसका हमारे है प्रेशर। प्रेशर का कुछ खास यूज़ नहीं है, मुझे आज तक कोरल में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मैं इसको इतना मतलब यूज़ में नहीं मानता, बट कोरल में कोरल ने इसको दे रखा है इस टूल के अंदर, तो ये ज़रूर यूज़फुल होगा, इसीलिए कोरल ने इसको दिया है। तो आप लोग ट्राई करें, हो सकता है आप लोग के किसी काम आ जाए, बट मेरे को अभी तक इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो नॉर्मल सा है। तो आप लोग इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस ज़रूर करें, इन सब कैटेगरी को आप लोग ज़रूर देखें, इसके अंदर आप लोग को बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी करने के लिए, सीखने के लिए। तो आप ट्राई ज़रूर करना और इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करना, और कुछ भी मतलब बना के मुझे मेरे फेसबुक पेज पे मेरे को टैग ज़रूर करना। मेरा फेसबुक पेज भी एक ही ग्राफिक के नाम से ही है, मैं आप लोग को उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एंड आप लोग को क्लास ज़रूर पसंद आई होगी, एंड क्लास पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, एंड कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों ने आज की क्लास में क्या सीखा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आई होप दोस्तों आप लोग को आज की क्लास पसंद आई होगी, और आर्टिस्टिक मीडिया टूल भी आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।